नमस्ते बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 5, जिसका नाम है धरती का स्वर्ग कश्मीर। बच्चों, आपको पता है कि धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के सौंदर्य से एक बादशाह भी प्रभावित हुए थे, जिनका नाम था जहांगीर। उन्होंने प्रभावित होकर कहा था कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो जही है, जही है। सुहावने मौसम तथा प्राकृतिक सौंदर्य के कारण कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हर मौसम में अपनी अलग ही छटा दिखाता है। गर्मियों में जहाँ हरियाली का आंचल फैला दिखता है और सर्दियों में हर तरफ बर्फ की चादर फैलने लगती है और पतझड़ शुरू होते ही पीले चिनार का सुनहरा सौंदर्य मन को मोहने लगता है। पर्यटकों को सम्मोहित करने के लिए जहां बहुत ही सुंदरता बिखरी हुई है, शायद इसी कारण देश विदेश के पर्यटक जहां खींचे चले आते हैं। मैं भी अपने पापा से बहुत बार कह चुका था कि हमें भी धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को देखने जाना है। इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में पापा ने कश्मीर देखने के हमारे सपने को पूरा किया था। 5 जून को हमने हिमगिरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा अपनी यात्रा शुरू की। दोपहर को हम जम्मू पहुंच गए। वहां से हमने श्रीनगर के लिए बस पकड़ी। ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ रहे थे, हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारा स्वागत कर रहे थे। हमारी बस इन पहाड़ों के बीच में बनी सांप के समान बल खाती सड़क पर बागी जा रही थी। अब हम थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस करने लगे थे। रात को 8 बजे के करीब हमारी बस श्रीनगर पहुंच गई। पापा ने डल झील के पास पहले ही एक कमरा बुक करवा रखा था। हमने अपना सामान होटल के कमरे में रखा। बल्बों की रोशनी में चमचमाती डल झील का दृश्य कमरे से ही देखने को मिल रहा था। प्रकृति के इस सौंदर्य को थकान के कारण हम अधिक समय के लिए नहीं देख सके और सो गए। अगले दिन हमने डल झील में सैर करने का निश्चय किया। झील में हमने नावों, शिकारों और हाउस बोटों को इधर से उधर जाते हुए देखा। पापा ने बताया कि हाउस बोट एक प्रकार के घर होते हैं। इनमें यात्री कुछ दिनों के लिए रुकते हैं और झील का भरपूर आनंद उठाते हैं। शिकारा एक प्रकार की छोटी नाव होती है जो बहुत सजी होती है और यात्रियों को डल झील की सैर कराने के लिए उनका प्रयोग होता है। हमने भी शिकारे में झील के सौंदर्य को निहारा। फिर हमने टांगमर्ग देखने का निश्चय किया। टांगमर्ग पहाड़ों के पाँव में स्थित एक सुंदर स्थान है। इसके आसपास चीड़ तथा देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ऊंचाई से बहता झरनों का पानी प्राकृतिक सौंदर्य में 4 चांद लगा रहा था। तभी मौसम ने करवट बदली और ठंड बढ़ गई। हमने गर्म कपड़े पहन रखे थे, इसलिए हम इस सर्दी का भी आनंद ले रहे थे। टांगमर्ग से खिलनमर्ग केवल 8 किलोमीटर था। हमने वहां तक पैदल जाने का तय किया। जो मज़ा पैदल चलकर लिया जा सकता है, वह घोड़ों पर नहीं ले सकते। मार्ग में लंबे लंबे चीड़ व देवदार के पेड़ और गिरते झरने अद्वितीय नज़ारा पेश कर रहे थे। जहां पूरा वर्ष बर्फ जमी रहती है, उस दिन भी हिमपात हुआ था, बाव के बर्फ का गिरना हुआ था। हम सब एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर प्रसन्न हो रहे थे। हमने इन सब दृश्यों को अपने कैमरे में बंद कर लिया। उस रात हम खिलनमर्ग में ही रहे। अगले दिन हमने गुलमर्ग जाने का कार्यक्रम बनाया। उस दिन हम घोड़े की सवारी का आनंद लेते हुए गुलमर्ग पहुंचे। गुलमर्ग रंग बिरंगे फूलों से लदा एक मैदान है, जहाँ के विशाल काए बाप के बहुत बड़े आकार के आसमान से बातें करते पहाड़ तथा गहरी घाटियाँ
अनुपम नज़ारा पेश कर रहे थे, जहां आकर तो हम सच में दुनिया को ही भूल गए थे। फिर हमने निशांत बाग, इच्छा बल, पहलगाम, चंदनबाड़ी, सोनमर्ग, वुलर झील आदि स्थानों के नज़ारे देखे। हम श्रीनगर के सरकारी इंपोरियम में भी गए। वहाँ कश्मीर की विशेष वस्तुएं, अखरोट की लकड़ी के हस्तशिल्प, पेपर मेशी के शोपीस, लेदर के पर्स, पश्मीना शॉल, केसर, सूखे मेवे आदि देखे। हमने वहाँ से कुछ जादगर वस्तुएं भी खरीदी। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का हमने 5 दिन भरपूर आनंद लिया। वहाँ का सौंदर्य और मौसम देखकर यह महसूस होने लगा कि वास्तव में यदि कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर की वादियों में ही है। धन्यवाद।